बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी तमाम पार्टियां लगातार कर रही है। जेडीयू, बीजेपी चाहे आरजेडी, तमाम पार्टियों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है और किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है ये भी सेट कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव में जो गलती की है वो गलती 2025 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं करना है, उन गलतियों से सीखना है और उसके बाद चुनावी मैदान में ऐसे पासे फेंकने हैं कि जीत हासिल हो। बीजेपी लगातार ये अपने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रही है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने जो गलती की है वो हम 2025 में कभी नहीं करेंगे, उन गलतियों से सीखकर हम आगे की रणनीति तैयार करेंगे और उसी तरीके से काम भी किया जाएगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ये दावा कर रही थी कि हम 350 अकेले पार करेंगे और 400 के पार एनडीए रहेगी, लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने एक बार फिर से दावा किया है और बीजेपी कोटे से श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि 2025 में हमें 225 सीट लाना है। एनडीए 243 में से 225 सीट लाएगी, बीजेपी अकेले बहुमत से आगे रहेगी और ये दावा विधानसभा चुनाव के लिए किया गया है। दरअसल संतोष सिंह औरंगाबाद गए, औरंगाबाद में उन्होंने कहा कि हमने 2024 में जो गलती की उस गलती का नतीजा ये हुआ कि औरंगाबाद में हमने अपना सांसद नहीं बना पाया, वो गलती हम 2025 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल नहीं करेंगे, हम ऐसी रणनीति तैयार करेंगे, हमारे कार्यकर्ता इतनी मेहनत करेंगे कि 2025 में हमें जीत हासिल हो। औरंगाबाद के तमाम 6 विधानसभा सीटों पर हमारे ही विधायक होने चाहिए, इसकी पूरी तैयारी आप लोगों को करनी है। दरअसल जिला स्तर पर बीजेपी की कार्यकारी बैठक थी और उस बैठक में बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। उन कार्यकर्ताओं के बीच संतोष सिंह ने चुनाव से पहले ये बड़ा दावा किया है। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के दावे की धज्जियाँ उड़ गई थी, बीजेपी 350 का दावा कर रही थी, 300 भी नहीं पार कर पाई, लेकिन इस बार बिहार में जो दावा किया जा रहा है इस दावे पर कितना बीजेपी काम कर पाती है और इस दावे को क्या बीजेपी पूरा कर पाएगी ये देखना दिलचस्प होगा। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार झारखंड। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।